नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के इस एफटीआर सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुखराज गिरी और इस सेशन में मैं डील करने वाला हूं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सब्जेक्ट में। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन लिए हैं छत्तीसगढ़ के प्रशासन से। लेकिन प्रश्नों पे जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि हर रविवार को 11 बजे हम कॉम्पिटिशन कम्युनिटी आपके लिए करा रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट। और इस टेस्ट में शामिल होने के लिए आप लोगों को शुक्रवार की रात तक कर लेना है हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर, ताकि आप दे सके टेस्ट को, जो कि होगा कब, तो रविवार के दिन। तो यह हो गई अनाउंसमेंट। अब आ जाते हैं हम प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि श्री अमिताभ जैन जी ने 1 दिसंबर 2020 को पदभार ग्रहण किया छत्तीसगढ़ के नवीन मुख्य सचिव के तौर पर, और यह छत्तीसगढ़ के हुए 12वें मुख्य सचिव। अच्छा, अगर बात कर ले आरपी मंडल जी को, तो ध्यान रखना आरपी मंडल जी छत्तीसगढ़ के 11वें मुख्य सचिव थे और रिटायरमेंट के पश्चात इन्हें चेयरमैन बना दिया गया। किसका? तो एनआरडीए का, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण या डेवलपमेंट अथॉरिटी का। अगर बात कर ले अमिताभ कांत जी की, तो ध्यान रखें यह कौन है, तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। तो हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान मुख्य सचिव है कौन, तो अमिताभ जैन जी। यहां पर एक और जानकारी आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो पहले मुख्य सचिव थे अरुण कुमार जी। कौन थे पहले मुख्य सचिव? तो अरुण कुमार जी। तो प्रश्न क्या है, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान हमने देखा 1 दिसंबर 2020 को पदभार ग्रहण किया है किन्होंने, तो अमिताभ जैन जी ने। और अमिताभ जैन जी दिए हैं ऑप्शन बी में, इसलिए इस प्रश्न क्रमांक एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमिताभ जैन, जो कि है छत्तीसगढ़ के वर्तमान और 12वें मुख्य सचिव। तो यह हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब आ जाते हैं हम किस पे, तो अपने दूसरे प्रश्न पे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया? तो पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ से कुल 5 राज्यसभा सदस्य होते हैं। कितने राज्यसभा सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं। अब अगर हम बात कर ले वर्ष 2020 के शुरुआत की, तो वर्ष 2020 के शुरुआत में छत्तीसगढ़ से जो 5 राज्यसभा के सदस्य थे, वे थे कौन कौन? तो पहले थे रण विजय सिंह जुदेव, दूसरे थे मोती लाल जी वोरा, तीसरे थे राम विचार नेताम जी, चौथी थी कौन, तो छाया वर्मा जी, और पांचवी कौन, तो सरोज पांडे जी। अब ध्यान रखना वर्ष 2020 में रणविजय सिंह जुदेव और मोतीलाल जी वोरा, इन दोनों का कार्यकाल हो गया समाप्त। तो जुदेव जी का और वोरा जी का कार्यकाल हो गया समाप्त। अब इनके स्थान पर कौन कौन आए, तो ध्यान रखना फूलो देवी नेताम और KTS तुलसी बने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के नए सदस्य। तो ध्यान रखना वर्ष 2020 में कार्यकाल समाप्त हुआ रणविजय सिंह जुदेव जी का, जो कि किस पार्टी से थे, तो बीजेपी से। इसके अलावा मोतीलाल जी वोरा का, जो कि किस पार्टी से थे, तो कांग्रेस से। इसके अलावा ध्यान रखना नेताम जी बीजेपी से, सरोज पांडे जी बीजेपी से, और छाया वर्मा जी कांग्रेस से।
अब जुदेव जी और मोतीलाल जी वोरा जी के जगह कौन कौन आ गए, तो आ गई कौन, तो पहले फूलो देवी नेताम जी और दूसरे केटीएस तुलसी जी। और आपको यह ध्यान रखना है कि यह दोनों ही किस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी से। तो वापस आ जाए प्रश्न पे, तो दिया है निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया। ऑप्शन क्या क्या है, मोहसिना किदवई, उसके बाद है रणविजय सिंह जुदेव, उसके बाद अरुण वोरा, और डी में दिया है बी और सी दोनों। तो हमने यहां पे देखा रणविजय सिंह जुदेव और मोतीलाल जी वोरा ने पूर्ण किया है कार्यकाल, ना कि अरुण वोरा जी। तो यहां पर सही उत्तर क्या होने वाला है, होने वाला है बी रणविजय सिंह जुदेव। और इस प्रकार ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर होगा इस दूसरे प्रश्न का। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा का मनोनीत सदस्य कौन है। तो मैं आपको यह बता दूं कि संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 333 के अनुसार एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का एक व्यक्ति जो है उसे मनोनीत किया जाता था राज्य के किस में, तो विधान सभा में। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि वर्ष 2020 में यह जो आरक्षण था यह खत्म होने वाला था और इसका नवीनीकरण किसी भी संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं किया गया। तो अगर हम आज की बात करें तो ध्यान यह रखना है कि एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो है विधानसभा से यह हो चुका है समाप्त। और मैं आपको यह भी बता दूं यह रिजर्वेशन समाप्त हो गया है तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी मनोनीत सदस्य के छत्तीसगढ़ विधानसभा में होने का। इसलिए यहां पर क्या ऑप्शन होना चाहिए, सही तो होना चाहिए उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की तीसरी और चौथी विधानसभा में मनोनीत सदस्य थे बर्नार्ड रॉड्रिक्स, वहीं छत्तीसगढ़ की दूसरी विधानसभा में मनोनीत सदस्य थे कौन, तो इंग्रिड मैक्लॉड। समझ में आया, तो दूसरे में इंग्रिड मैक्लॉड, तीसरे में और चौथे में बर्नार्ड रॉड्रिक्स। और आज की स्थिति में चूंकि यह रिजर्वेशन हो चुका है समाप्त इसलिए अब कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर होने वाला है इस तीसरे प्रश्न का। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न में, वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं, मतलब पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में अभी कितनी महिला एमएलए हैं। तो मैं आपको यह बता दूं छत्तीसगढ़ में अभी 14 महिला एमएलए हैं। कितनी है, 14। अब इनको देख लेते हैं किसके माध्यम से, तो मैप के माध्यम से। तो समझिए, सबसे पहले एक विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम है बैकुंठपुर, कहां पर है, तो कोरिया जिले में, तो मैं इसको नाम देता हूं एक। दूसरा विधानसभा क्षेत्र है कोटा बिलासपुर जिले का, तीसरा है बिलासपुर जिले का तखतपुर। चौथा आ जाए तो जांजगीर चांपा जिले में है क्या, तो पामगढ़। पांचवा है रायगढ़ का सारंगढ़। छठवा है इस कबीरधाम जिले में पंडरिया। सातवां राजनांदगांव जिले का है खुज्जी। आठवें में आ जाए तो है बालोद जिले का डोंडी लोहारा। और नौवे की अगर मैं बात करूं तो है बालोद जिले का बालोद संजारी। दसवें की बात करूं तो है इस बलौदाबाजार जिले का कसडोल। ग्यारहवां है रायपुर जिले का धरसीवा। बारहवां धमतरी और तेरहवां धमतरी जिले का सिहावा। और चौदवा है इस दंतेवाड़ा जिले का दंतेवाड़ा विधानसभा। तो अगर ध्यान से देखें तो सरगुजा संभाग में एक विधानसभा, बिलासपुर संभाग में चार, दुर्ग में चार और रायपुर संभाग में चार विधानसभा, और एक है बस्तर संभाग में। कुल हो गए 4 + 12 और 2 = 14 विधानसभा। तो ध्यान रखना 14 ऐसे विधानसभा हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में महिला सदस्यों ने जीत हासिल की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस सरगुजा संभाग, और इस सरगुजा संभाग में मैंने बताया था बैकुंठपुर विधानसभा कहां से, तो बैकुंठपुर विधानसभा मैंने बताया कोरिया जिले। और यहां से सदस्य कौन है, तो है अंबिका सिंहदेव।
किस पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से। दूसरे नंबर पर है यह कोटा विधानसभा, और यहां से कौन सदस्य हैं? तो रेणु जोगी जी। कौन सी पार्टी है? जनता कांग्रेस। अब तीसरे स्थान पर हमने देखा तखतपुर। तखतपुर से हैं रश्मि सिंह जी। किस पार्टी से संबंधित? तो फिर से कांग्रेस। चौथे स्थान पर पामगढ़। पामगढ़ से हैं बसपा की इंदु बंजारे। और पांचवे स्थान पर है इस रायगढ़ जिले में सारंगढ़ विधानसभा, जहां से है कौन? तो है उत्तरी जांगड़े जी, जो कि संबंधित है किससे? तो कांग्रेस से। तो हमने देख लिया चार बिलासपुर संभाग से, एक देख लिया है हमने सरगुजा संभाग से। अगला है क्या? तो अगला है हमारा दुर्ग संभाग। इसमें कबीरधाम जिले का जो पंडरिया विधानसभा है, वहां से हैं ममता चंद्राकर जी। ममता चंद्राकर जी किस पार्टी से संबंधित? तो कांग्रेस पार्टी से संबंधित। खुज्जी विधानसभा राजनाथ गांव से संबंधित है छन्नी साहू जी, कांग्रेस से संबंधित। इस डौंडी लोहारा विधानसभा से है कौन? तो है अनीला भेड़िया जी, कांग्रेस से संबंधित और अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी है महिला बाल विकास की। इसके अलावा बालोद संजारी विधानसभा से सदस्य है कौन? तो कांग्रेस की संगीता सिन्हा जी। अब आ जाते हैं इस रायपुर संभाग में, तो सबसे पहले है कसडोल विधानसभा, और यहां से है शकुंतला साहू जी, कांग्रेस की। उसके बाद है धरसिवा विधानसभा, यहां से है अनीता शर्मा जी, फिर कांग्रेस की। उसके बाद है धमतरी, धमतरी से है रंजना साहू जी, भाजपा की। उसके बाद है सिहावा, तो सिहावा से है लक्ष्मी ध्रुव जी, किस पार्टी से? कांग्रेस से। और अंततः दंतेवाड़ा से है कौन? तो दंतेवाड़ा से है देवती कर्मा जी, कांग्रेस की। तो यह हो गए 14 महिला एमएलए कहां की? तो छत्तीसगढ़ की। तो प्रश्न पे वापस आ जाएं, तो पूछा है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी महिला एमएलए हैं? तो है कितनी? 14। 14 दिया गया है ऑप्शन ए में, इसीलिए ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर होगा इस चौथे प्रश्न का। इसके बाद आ जाते हैं पांचवें प्रश्न में, तो ध्यान रखिए पांचवें प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। तो मैं आपको बता दूं सतीश चंद्र वर्मा जी हैं, यह छत्तीसगढ़ के वर्तमान महाधिवक्ता है। इसके अलावा ध्यान रखना रमाकांत मिश्र जी जो हैं, यह कौन है? तो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। और अजय सिंह जी के बारे में ध्यान रखना, यह अध्यक्ष हैं राज्य के योजना आयोग के। तो अजय सिंह जी राज्य योजना आयोग, रमाकांत मिश्र जी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, और ध्यान रखना सतीश चंद्र वर्मा जी हैं वह वर्तमान महाधिवक्ता है कहां के? तो छत्तीसगढ़ के। तो इस पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सतीश चंद्र वर्मा जी, जो कि दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए यह ऑप्शन बी होगा आपके पांचवें प्रश्न का सही उत्तर। अब हम आ जाते हैं अपने छठवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ से लोकसभा के सदस्य नहीं? तो देखिए दीपक बैज जी के बारे में मैं आपको बता दूं, यह बस्तर लोकसभा से सदस्य है। किस पार्टी से संबंधित? तो कांग्रेस पार्टी से। गुहाराम अजगले जी जो हैं, यह हैं जांजगीर से लोकसभा सदस्य, संबंधित हैं बीजेपी से। ज्योत्सना महंत जी हैं कोरबा
लोकसभा से, लोकसभा सदस्य और संबंधित हैं कांग्रेस से। राम विचार नेताम जी के बारे में मैंने आपको बताया कि यह असल में राज्यसभा के सदस्य हैं, किस पार्टी से, तो बीजेपी से। तो ध्यान आपको यह रखना है कि यहां पर पूछा गया है लोकसभा के सदस्य नहीं है, तो कौन नहीं है, तो राम विचार नेताम जी नहीं है, जो कि दिए गए हैं चार में। तो सही आंसर क्या आना चाहिए इस प्रश्न का, तो आना चाहिए केवल चार, और यह जो केवल चार है दिया गया है ऑप्शन क्रमांक बी में, इसलिए ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर होगा आपके छठवें प्रश्न का। अब आ जाते हैं हम अपने सातवें प्रश्न पर। सातवें प्रश्न में दिया है छत्तीसगढ़ से राज्य विधानसभा में एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में कुल 90 सीट है, इसमें से एससी वर्ग के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं, 29 सीटें आरक्षित हैं एसटी वर्ग के लिए, और अनारक्षित है कितनी, तो 51 सीटें हो गई कुल, कितनी, तो हो गई 90 सीटें। तो 10 एससी, 29 एसटी और 51 अनारक्षित। तो एसटी आरक्षण कितना है 29 सीटों पे, 29 दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर होगा आपके सातवें प्रश्न का। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के विभिन्न आयोगों के कितने अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, पहले हैं महंत राम सुंदर दास, दूसरी हैं डॉक्टर किरणमयी नायक, फिर हैं महेंद्र छाबड़ा जी, उसके बाद हैं थानेश्वर साहू जी, और उसके बाद हैं गुरप्रीत सिंह बाबरा जी। तो महंत राम सुंदर दास जो हैं यह राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, किरणमयी नायक जी जो हैं यह राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, अगले हैं महेंद्र छाबड़ा जी जो कि अध्यक्ष हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के, उसके अलावा है थानेश्वर साहू जी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, और उसके बाद है गुरप्रीत सिंह बाबरा जी जो कि अध्यक्ष हैं राज्य खाद्य आयोग के। तो विभिन्न आयोगों से यह पांच अध्यक्ष हैं जिनको दर्जा दिया गया है, किसका, तो कैबिनेट मंत्री का। तो कितने हैं, तो कुल है पांच। अब पांच दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी जो है यह आपका सही उत्तर होगा आठवें प्रश्न का। अब हम आ जाते हैं अपने नौवें प्रश्न में, छत्तीसगढ़ राज्य के औषधि पादप बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दो चीजों को ध्यान रखना, एक है राज्य का वन विभाग, अब वन विभाग का नाम बदलकर क्या हो चुका है, तो वन विभाग का नाम बदलकर हो चुका है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो वन विभाग का नाम हो गया वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, और जो छत्तीसगढ़ राज्य का औषधि पादप बोर्ड है इसका नाम बदलकर हो चुका है छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा व औषधि पादप बोर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, तो होने वाला है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि वन विभाग का नाम क्या हो चुका है, तो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। इसके साथ ही आ जाते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न पर, मोबाइल एप्लीकेशन कवच किससे संबंधित है। तो दिया है पुलिस सेवा, फिर है कोविड 19 के बारे में जानकारी, और उसके बाद दिया है बिजली से संबंधित शिकायत निराकरण हेतु। तो ध्यान रखना, बिजली से संबंधित जो शिकायत है उसके निराकरण के हेतु जो एप्लीकेशन है उसका नाम है मोर बिजली। पुलिस सेवा से संबंधित है सीजी कॉप, क्या नाम है इस एप्लीकेशन का, सीजी कॉप, और कोविड 19 के बारे में जानकारी मिलती है इस एप्लीकेशन कवच के माध्यम से। तो इस दसवें प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो होने वाला है ऑप्शन बी कोविड 19 के बारे में जानकारी हेतु यह मोबाइल एप्लीकेशन कवच है।
तो यह हो गया हमारा दसवां एवं अंतिम प्रश्न। तो यह थे छत्तीसगढ़ में प्रशासन से संबंधित कुछ 10 कंसेप्चुअल प्रश्न। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा छत्तीसगढ़ के स्थानीय प्रशासन से कुछ ऐसे ही कंसेप्चुअल प्रश्नों को। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।